एक्टिविटी बच्चों के शेयर कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फ्लैश कार्ड। इसके थ्रू आप बच्चों को जो व्हीकल्स मतलब ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीजें होती है वो आप सबको सिखा सकते हो, लाइक कार, जेसीबी, फायर ट्रक, एम्बुलेंस, पुलिस कार, ये सारी चीजें आप इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हो। तो अभी मैं रुद्र से ये एक्टिविटी करवाऊंगी कि वो किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं और कितने व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करता है। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जानोगे कि रुद्र को कितना आता है और आप अपने बेबी को कितना कुछ सिखा सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारा बेबी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है। पहले हम इसे एक्टिविटी के मोड में लेके आते हैं, तब जाके एक्टिविटी करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा बेबी हमेशा एक्टिविटी जब मैं करवाती हूँ तो कर लेता हो। देखो इस तरीके से ये अदर चीज में भी बिजी होता है, तब मुझे इसे एक्टिविटी करवाना होता है। अभी अपनी मस्ती के मूड में तो मैं इसे बहुत नॉर्मल जाके इसे बिठाऊंगी, तब जाके ये बैठेगा यहाँ। और ये मेरे बच्चों मम्मा को बताओ। और पता है इस एक्टिविटी की खासियत क्या है? आप ये जो होल्स देख रही हो ना, इसमें मेरा बीबी बिना लगाए इनको आइडेंटिफाई करना जानता है कि स्कूल बस है, ये कार है, ये मोटरसाइकिल है। इनके थ्रू तो हर इंसान पहचान सकता है कि आप बड़े लोग भी पहचान सकते हो कि देखिए, मतलब बिना रीड किए ओनली शेप से रिकॉग्नाइज कर सकता है कि किसमें कौन सा लगेगा। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। बेटा यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ? और यहाँ पे? ओके, यहाँ? पिन। और यहाँ? हेलीकॉप्टर। और यहाँ पर? ओके, यहाँ? यहाँ पर? एम्बुलेंस। और यहाँ? एम्बुलेंस। अब ये बताओ कोई भी बच्चा ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अपन जो बड़े लोग होते हैं वो तो बेटा पेन नहीं लगाते। यहाँ पे देख लो इस तरीके से आइडेंटिफाई करता है। हम जो बड़े लोग हैं, मैं खुद जब इसने फर्स्ट टाइम ऐसे आइडेंटिफाई किया इतना सरप्राइज थी, या जेसीबी शिप, मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, शॉक। आप मुझे बोल सकते हो यार कैसे कोई बच्चा इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता? इट्स टोटली शॉकिंग फॉर मी। एंड अब रुद्र ये सारी चीजें आपको लगा के बताएगा। लगाओ बेटा। रुद्र सारे व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करना जानता है कि ये कौन सा व्हीकल्स है, प्रैक्टिकली भी जानता है। जब ये बाहर जाता है तो मैं इससे पूछती हूँ कि कौन सा व्हीकल है, तो ये आइडेंटिफाई करना जानता है। आप अपने बेबी को व्हीकल्स इस टाइप के फ्लैश कार्ड के थ्रू सिखा सकते हो। बुक्स में जो व्हीकल्स की बुक्स आती है उसके थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों पर तब पड़ता है जब आप बच्चों को बाहर लेके जा रहे हो, तो आप वो व्हीकल्स दिखाइए। जो आप व्हीकल्स बच्चों को सिखा रहे हो वो सेम व्हीकल आप बाहर जाके उसे दिखाइए और उससे पूछिए कि बेटा ये कौन सा है, तो से आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। और प्रैक्टिकली जब कुछ चीज करते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। एंड बच्चों को तो व्हीकल्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। जब रुद्र छोटा था मैं तब से ही इसे बाहर लेके जाती थी, तब इससे प्रैक्टिकली पूछती थी कि रुद्र ये कौन सा व्हीकल है, इससे बात करती थी। जब ये बोलना नहीं जानता था तब भी मैं इसे बताने की कोशिश करती थी कि ये वो है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज का बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस टाइप की एक्टिविटीज से बच्चे लॉन्ग टाइम तक इंगेज रहते हैं, वो भी कुछ लर्न करते हुए, तो बहुत बेस्ट तरीका होता है। और बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं स्टार्टिंग में करने में, तो आप बच्चों को इस टाइप से इंगेज करके अपना अदर वर्क भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा।